सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया यद भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इसी इन्हीं मंगल कामनाओं के सिद्धांत पर चलते हुए आज दिव्यांगम यूट्यूब चैनल श्रावण के प्रथम दिन सोमवार को आपके समक्ष ला रहे हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के समक्ष जो कि आपको हमेशा अनिर्वचनीय शब्दों से आपको तृप्त करते रहे हैं और सन्मार्ग की दिशा में प्रेरित करते रहे हैं। आज इस श्रावण के प्रथम दिन को हम समर्पित करते हैं आपको श्री शंकर जी के आराधना के साथ। क्या कहते हैं, ओम नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाय नमः शिवाय। इस नमः शिवाय के साथ मैं नमन करते हुए गुरुदेव श्री एसके श्रीवास्तव सुनील कुमार श्रीवास्तव जी से आपको मिलाते हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे उनका साक्षात्कार उनका मूलन हो रहा है। ये मैं उनसे इसे आप इसे ये न देखें कि मैं उनका साक्षात्कार ले रहा हूँ, बल्कि उसे ये देखें कि मैं किसी एक आध्यात्मिक विषय जिसका कि मैं अभी कोई विषय वस्तु निर्धारित नहीं किया, यूं ही जो कुछ भी भगवान आप उनसे और हमारी बीच में चर्चा होगी वो स्वतः स्फूर्त चलती रहेगी। तो मिलाते हैं आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी से। नमस्कार मित्रों। नमस्कार श्रीवास्तव जी, आज जो है आपका हम अभिनंदन करते हैं। गुरु पूर्णिमा का दूसरा दिन है, आपको नतमस्तक हम दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपके आशीर्वाद की प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं। तो मैं ये आज चाहता हूँ कि इस पवित्र माह को शिव जी को जो समर्पित पवित्र माह है इसमें आप कुछ अपना उद्बोधन दें। देखिए ऐसा है कि श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। क्यों समर्पित है इसका हमने कई ग्रंथों में ढूंढने का प्रयास किया जी, तो सार ही निकला कि माँ पार्वती जो है घोर तपस्या से उन्होंने शिव जी को से विवाह करने का प्रयास किया था और श्रावण मास में ही उनको सफलता मिली थी। इसलिए श्रावण मास को जो है हम शिव भगवान को समर्पित करके और श्रावण मास जो शिव भगवान को बहुत प्रिय भी लगता है इसीलिए हम भगवान शिव को जो समर्पित करते हैं। शिव को समर्पित जी। अच्छा, शिव को कहा जाता है कि वो जो है जितने भी विष पाई हैं, मतलब जितने ही अशुभ चीजें हैं और जितने ही मतलब गलत चीजें हैं सब कुछ है सबको सहन कर लेते हैं, इसका मैं तात्पर्य ये निकाल रहा हूँ विषपाई होने का। और वो तो हमारे आराध्य हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनको कहा गया था कि मतलब अनिर्वचनीय, मतलब जो भी कहा गया उनके साथ विशेषता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जितनी दुनिया की जितनी मानव मात्र में जितनी कष्ट है जितने अशुभ चीज है उनको दूर करके उनको शुभ कर्मों की तरफ प्रेरित करने का एक शिव ये शिवत्व तो है जी। शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब होता है कल्याण। आप मंदिर जाते हो, शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाते हो, शिव भगवान का पूजा अर्चना करते हो, लेकिन जब तक आपके अंदर कल्याण की भावना नहीं आएगी, जो शिव का ही मूल सूत्र है मूल मंत्र है, तो आपको इन सारी चीजों से कोई बहुत लाभ मिलने वाला नहीं है। आपको संतुष्टि तो मिल सकती, सारी संतुष्टि मिलेगी, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो मेरा को संदेश यह है कि जितना हो सके कल्याण की भावना करिए। हर रोगी में जो है अगर आप शिव को देखते हैं तो आप दबित हो जाओगे, उससे हमेशा कल्याण के बारे में सोचोगे। यही शिव का श्री पूजन है, यही श्री शिव का जो है वो जिसे हम गलत बातें कह देता है, गलत संबोधन कर देता है या हमको ना अच्छी लगने वाले बातें कह देता है उसको हम प्रतिक्रिया करके हम भी उसको ऐसा कहते हैं, तो शिव का जो विस्पाई स्वरूप है उसको कहते हैं कि अगर कुछ भी कितना भी कोई गलत वाणी से आपको कुछ कह रहा है तो उसका आप विस्पान कर लें। तो क्या इसको हमको इसे आप कैसे व्याख्या करें? पीछे चलते हैं, जो सबुन मंथन हुआ था तो देवी रावण दानव और देवता जो है विष को तो अलग कर दिए और अमृत के लिए वो देवासु संग्राम से भावना बढ़ गई थी, तो भगवान शिव ने इसको बचाने के लिए जो है अमृत का जो विष को अमृत को अलग कर दिया और विष को अपने अंदर कंठ में उतार दिया, तो उसको नीलकंठ कहा है, ठीक है ना। तो तात्पर्य यह है कि आपको भी जो भी अगर गलत बात लगता है उसको अपने कंठ से नीचे मत उतारो, समर जरूर करो लेकिन उसका कोई प्रतिक्रिया ना करो, उसको अपने नीचे जरूर उतारो। इसमें एक चीज और आता है जो बहुत लोग जानते हैं ना जानते हैं,
कि भगवान शिव को हम जल क्यों चढ़ाते हैं। ये बड़ा ही हमने शिव पुराण तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया तो उसका निष्कर्ष ये निकला कि जो अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने जो है विषपान कर लिया था, उनके कंठ बता लिया था, लेकिन इससे उनके अंदर शरीर के अंदर एक बहुत गर्मी आई थी। उस गर्मी को जो शिवलिंग होता है उस शिव का प्रतीक है, समूचे विश्व की आत्मा का प्रतीक है। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए हम भगवान शिव को जो है जल चढ़ाते हैं, जिससे कि वो दूसरा, इसका दूसरा व्यवहारिक पहलू जो है आज के कलयुग में ये है कि जो शिवलिंग जो स्थापित किए गए, क्योंकि भगवान का रूप स्थापित किए गए, सारे पेड़ों के नीचे स्थापित किए गए, तो आज का जो शिव भगवान है, भगवान शिव का जो एक व्यवहारिक रूप है, सारे पेड़ पौधे हैं, प्रकृति जो है, तो जब हम जल चढ़ाते हैं तो उस जल को जो है उसी बहाने जो है पेड़ पौधों को जल मिल जाता है। और जो भगवान शिव ने मतलब कि विष को अपने ग्रहण किया था, अब पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो जहर है अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, तो उसको पल्लवित करने के लिए हम जल चढ़ाते हैं, जिससे कि फूल पल्लवित हों और वातावरण का एक संतुलन बनता रहे। अच्छा, एक मैं एक और बात पूछूंगा कि कुछ लोग इस बात पे बड़ी प्रश्न करते हैं जो धर्म से अलग हैं, विलग हैं, जो विशेषकर हमारे कम्युनिस्ट मित्र और इस तरीके के ईश्वरवादी, कि ये दूध का चढ़ाना बड़ा दुरुपयोग है, तो दुग्ध का चढ़ाना दुरुपयोग है, तो इसके दूध चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण प्रतीक है। चाहे अब राजनीतिक में चर्चा करने का है, कम्युनिस्ट जो भी हो, जो कि न मानते हों, तो वो ये आस्था अनास्था का प्रश्न है। हम दूध चढ़ाते हैं भगवान शिव को तो बड़े आस्था से साथ चाहते हैं कि भगवान शिव जो है उसको करेंगे, इसके अलावा और कोई मतलब है जो हमारा आस्था होगा, निश्चित रूप से हमारी आस्था जो है फलवित होगी और हमको जो है लाभदायक होगा। इसका जैसे एक जगह पे मैं पढ़ रहा था कि उसका तो दुग्ध मतलब गोधन जो है सबसे सर्वोच्च धन होता था, और गोधन से प्राप्त जो भी रस है वो तक व्यक्ति शिव जी के ऊपर निछावर कर देता है, यानी सर्वस्व निछावर करने की भावना का प्रतीक है दुग्ध का चढ़ाया जाना, तो ये त्याग का भावना भी प्रतीत है, ऐसा कुछ कहते हैं। देखिए आस्था है, आप जो कुछ भगवान तो कुछ लेते नहीं है, लेकिन ये बस सिर्फ ये मतलब कि जो कुछ है हम उन्हीं को जो है सब, मतलब कि हम जो है अपने मन की स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने आत्मिक संतोष के लिए सब करते हैं, और निश्चित रूप जब आत्मिक संतोष के लिए करेंगे, आत्मिक लाभ के लिए करेंगे, तो हमें को आनंद मिलेगा और इसी लाभ के लिए हम करते हैं। अच्छा, शिव जी का बैरागी वो शमशान में भी रहते हैं, मतलब जो भभूत लिए रहते हैं, वो खाली वृक्षाला बैठे रहते हैं, तपस्या किया करते हैं, ये मतलब ये क्या संकेत देता है सर, हमारी समाज को क्या संकेत देता है? समाज को संकेत ये देता है कि इसके पहले हम थोड़ा शिवालय के बारे में आपको बता देते हैं। इस शिवालय में आप देखते होंगे भगवान शिव का लिंग है, उसके ठीक सामने जो है वो नंदी जी का है, तो भगवान शिव जो है संपूर्ण विश्व के आत्मा है, और नंदी जी क्या है, उनके वाहन है, तो नंदी जी हमारे शरीर हैं और वो जो है आपका शिवलिंग है, हमारी आत्मा है। नंदी जी को आप देखते हो हमेशा आत्मा के तरफ नजर लगाए रहते हैं, क्या बात, ध्यान लगाए रहते हैं, तो उसी तरह हमारे अपने शरीर को जो हम अपने शरीर को भी हमेशा अपनी आत्मा की तरफ ध्यान लगाए रहे हैं, तो जब आत्मा की तरफ ध्यान लगा रहेंगे तो भगवान की तरफ हमारा निश्चित रूप से ध्यान रहेगा। जहां तक बैराग का सवाल है, तो भगवान शिव हमेशा भभूत लपेटे रहते थे, तो उनका ये था जो शिवत्व की जो शिवत्व है वो दुनिया सब बैराग की भावना है, और वो गृहस्थ होते हुए भी बिल्कुल बैराग धारण किए हुए थे, आखिरी में सबको इसी भभूत में ही मिल जाना, जी मिट्टी में ही मिल जाना, ये मिट्टी में तो मिल जाना है। मिट्टी का तो ये है कि जब हम लोग यज्ञ भी कराते हैं तो उसमें जो है लास्ट में एक होता है भभूत धारण करना, तो भभूत धारण करने मतलब है कि जो हमारे पूरा शरीर है वो इतने से पंचतत्व भभूत के रूप में आएगा, तो हमको हमेशा स्मरण करना चाहिए कि जो ईश्वर सत्य है और दूसरा मृत्यु सत्य है। जब मृत्यु आप सत्य मान लोगे, जो कि बहुत लोग से दूर भागते हैं, जैसे मृत्यु का आपने कहा सनाम ले लिया, तो जब इसको आप स्वीकार कर लोगे तो कहीं किसी तरीके से आपकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, कोई आपकी आकांक्षा नहीं रहेगी, और हर दुनिया का काम जो कर्म योग के तरफ करते रहोगे। शरीर आपको मिला है वो शरीर किस लिए मिला है, संसार को सौंप देने के मिला है, कर्म के लिए मिला है, आप कर्म जो है करते रहोगे बिना किसी भाव के, बिना किसी उसके रिटर्न के।
अच्छा जिसे कहा जाता है शिव का तयंकर, तो प्रलयंकर और तांडव स्वरूप संभवता इस दृष्टि से उपजा है कि जब बुराइयों की सीमा समाप्त हो जाएगी, जब कोई उसका हनन नहीं कर सकेगा, बुराइयों को नहीं रोक सकेगा, तब शिवत्व रूपी धारण जो है, शिवत्व जब आगे बढ़ेगा तो प्रलयंकर रूप धारण करेगा। पहले तो सब कुछ शिव विस्पाई भी हो सकता, सब कुछ धारण कर लेता, सहन शक्ति की एक सीमा होती है, लेकिन उसके बाद वो फिर प्रलयंकर रूप धारण कर लेता। इससे आप कहां तक सहमत? जो आपको सहमत असहमत होने की बात ही नहीं है। भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो जितनी सारी मतलब कि वो आपका जितनी भी दुराइयां सब कुछ उसको मतलब कि करने के लिए करते हैं, और तांडव ऐसा नहीं कि तांडव करके विष को नाश कर, हालांकि भगवान शिव को जो संहारक भी कहा गया है, लेकिन संहारक इस सेंस में कहा गया है कि जो आपके अंदर बुराइयां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी अगर आपने सही माने भगवान शिव को ग्रहण कर लिया तो। ठीक है ना? बहुत सही आपने बताया। तो इसी के साथ जैसे कि हम नमन करते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि। तो श्रीवास्तव जी और कोई संदेश? देखिए भगवान शिव के दो ही मंत्र, तो ओम नमो शिवाय। अगर आप बड़े प्रेम से उनको भोलेनाथ, इसीलिए कहा ही गया है कि अगर आप प्रेम से जो है भोलेनाथ ओम नमो शिवाय का उच्चारण करते हो तो आपको भोलेनाथ जो है सदैव प्रसन्न रहेंगे, खुश हो जाएंगे। दूसरा है ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धन उर्वारुकम् बंधनान् मुक्तोन्मुक्षिमानं च। यही दो मंत्र है, ये दो मंत्र का आप उच्चारण करते रहिए, जप करते रहिए, भगवान शिव जो है अपने आप जो है खुश हो जाएंगे। किसी तरह किसी के अंदर जो भाव लगते हैं बहुत ही भोले हैं, जो जो भी उन्होंने रावण को भी वरदान दिया और उन्होंने भगवान राम को वरदान, सबको वरदान देते हैं। उन्होंने तो ऐसा वरदान भी एक दे दिया, किसको दिया, जो उनके ऊपर ही हाथ रख के उनको तो शंकर जी को ही भस्म करने वाला था, भस्मासुर जी। जी तो विष्णु जी उसको मोहिनी रूप में आकर के किसी तरीके से शंकर जी को मतलब संरक्षित किया। तो मतलब ये भी एक संदेश देता है कि आप चाहे इतना किसी को तपस्या को या आपके निकट आ जाए तैसी हो, लेकिन एक सीमा तक उसको अपनी सीमाओं को और सिद्धांतों को धारण करके ही शिव की तरीके से खाली आप उसको सब कुछ न दे दे। तो पात्र को ही जो कुछ भी देना हो सुपात्र को ही दे, उपात्र को न दे, नहीं तो फिर शिव की तरीके से आपको भागना पड़ेगा और भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। अब इस संबंध में आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया, एक छोटा सा मैं दृष्टांत दे करके अपने वाणी को विराम दूंगा। जी जी। एक बार भगवान शिव पार्वती विचरण कर रहे थे तो धरती को उन्होंने देखा कि ये वृद्ध औरत एक और एक आदमी और उसकी एक लड़की जो है बड़े दीन हैं, उस पड़े हुए हैं। तो माँ पार्वती ने कहा कि भगवान इसको कुछ वरदान दे दो आप, जिससे कि इन लोगों का कल्याण हो जाए। भगवान शिव को देखा, कहा मैं वरदान तो दे दूंगा लेकिन इसके पात्र नहीं है। क्या क्या नहीं? पात्र नहीं है इसका, पात्र नहीं है। हाँ, इसके पात्र नहीं है, हमारा कोई वरदान कुछ इनको लगेगा नहीं। कहते आप पार्वती ने कहा भगवान वहाँ को पात्र आपका जो है वरदान नहीं लगे, अब मैं कह रहा हूँ आपको इनको वरदान दे दीजिए। क्या ठीक है गाय? उन्होंने कहा मैं वरदान देना चाहता हूँ, बोलो क्या मांगते हो। तो वृद्ध औरत ने कहा कि मुझे नौजवान लड़की बना दीजिए। तो उन्होंने कहा यह मस्तु। देखिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि पात्रता की बात जो है। तो उन्होंने कहा यह मस्तु, तो वो बिल्कुल नौजवान लड़की बन गई। अब जो बूढ़ा आदमी था उसको बड़ा ईर्ष्या होने लगी, ये तो नौजवान लड़की मैं वृद्ध हूँ। तो उनसे कहा आप क्या मांगते हो? तो कहा कि ऐसा करो कि इसको आप गधेया बना दो। तो उन्होंने कहा यो मस्तु, तो गधेया बना दिया। अब लड़की सोची कि हमारी माँ तो गधेया बन गई, हमारे जीवन यापन कैसे होगा। तो उसने कहा भगवान ने कहा कि तुमको क्या चाहिए? हमारी माँ जैसी थी उसे बना दो उसको। तो यो मस्ती करके उन्होंने जैसी थी उसे बना दिया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप वरदान जो मांगोगे तो उसके लिए पात्रता के अंदर आप पता अपने लिए स्वयं के लिए कुछ मांगो, जो मांगो दूसरों को मांगो। जो जो लेने वाला होता है वो दानों के दाना होता है, जो देने वाला होता है यही देवता, इसी दाना और देवता के ही एग्जाम्पल है। तो कहने मेरा यही है संदेश है कि आप जब हमेशा दूसरों को देने की भावना रखिए, कल्याण की भावना रखिए, तभी आपका शिव का पूजन का चरितार्थ होगा। चाहे सावन में करिए, आपको तो 24 घंटा भगवान शिव का पूजन, रोज शिव का पूजन करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है सावन में करिए, हमेशा उनका शिव का पूजन करना चाहिए, हमेशा दूध जल चढ़ाइए। बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा बता दे। बेलपत्र के अंदर ये बताते हैं लोग की वो क्षमता होती है कि जो शिवलिंग है वो ऊर्जा का प्रतीक है।
तो उससे थोड़ा अपने अंदर ऊर्जा ग्रहण कर लेती है, और उस ऊर्जा को जब हम थोड़ा सा चबाते हैं तो ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, ये हमारा मान्यता है। तो इसीलिए जो है आप जो है मतलब कि हम सारी चीज़ें करते हैं, हमारे बहुत ही वैज्ञानिक आधार है, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं है। हम भी जो बता रहे हैं बहुत कहीं सुने तो हम ग्रंथों से बता रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम नहीं बता पा रहे हैं आपको। ये बहुत ही वैज्ञानिक है और इसको हमको समझना चाहिए, और अपने सनातन धर्म को आत्मा परमात्मा जो खंडा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत आपको श्रावण के प्रथम सोमवार को आपको शुभ हो, और शंकर जी आपका कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। संभवतः मैं फिर अगले सोमवार को कोई इसी बिंदु के ऊपर आगे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।